हर एक बीमारी इसी घड़ी निकल रही है, आपकी रसौलियां इसी घड़ी निकल रही हैं, आपकी दुष्ट आत्मा इसी घड़ी निकल रही हैं, आपके जीवन में इसी घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है, इसी घड़ी अभिषेक, इसी घड़ी चुकाई आ रही है, इसी घड़ी छुटकारा आ रहा है। दुष्ट आत्मा की ताकतें आपके घर से नाश हो रही हैं, पांव से लेकर सिर तक चंगाई आ रही है, आपकी आंखें की बीमारियां इसी वक्त में निकल रही हैं, आपके कान इसी वक्त खुल रहे हैं, अब यीशु मसीह आपको इसी घड़ी चंगा कर रहा है। किसी के आंखों में कोई बीमारी है, आंखों की बीमारी, चाहे आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, अगर आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, जहां आपके आंखों से आपको धुंधला दिखाई देता है, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और अपनी आंखों पर हाथ रख लीजिए। अगर आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, जहां आंखों से धुंधला दिखाई देता है, जहां आंखों की कोई भी बीमारी है, आप अपनी आंखों पर हाथ रखिए, आंखें बंद करके आंखों पर हाथ रखिए सिर्फ एक मिनट के लिए, और एक मिनट के बाद आप जैसे मैं प्रार्थना करूंगा आप अपनी आंखों को खोलिएगा, पूरी तरह बंद रखिएगा, और इसी वक्त उसी घड़ी प्रभु यीशु ने चंगा किया था, आज इसी घड़ी प्रभु यीशु आपकी आंखों को चंगा करने वाले हैं। साडे उत्ते रहमतां दी होगी बरसात, 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 साडे उत्ते रहमतां दी होगी बरसात। कंदियां तमाला जदों मिलदी नगाते, आंखों की बीमारी, अंधेपन की बीमारी, धुंधलेपन की बीमारी, आंखों की एलर्जी, पर यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़, आंखों की बीमारियां पर यीशु के नाम से निकले, पर यीशु के नाम से ये देखने लगे, उसी घड़ी पर यीशु आपने अंधों की आंखें खोली। आज भी प्रभु यीशु आप हमारे बीच में हैं, आज इसी वक्त इन अंधों की या जिनकी आंखें कमजोर हैं, आज इसी वक्त इनकी आंखों की बीमारियां चंगी हो जाएं, आज इसी वक्त इनकी आंखों की बीमारियां दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आप अपना आंखों से हाथ हटा सकते हैं और देखिए, अपनी आंखों से हाथ हटा लीजिए और देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है, प्रभु यीशु ने आपकी आंखों को ठीक किया है, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए गाएं। थोड़ी देर बाद हम लोग आपकी गवाही को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला है। और अब मैं प्रार्थना उनके लिए करना चाहता हूं जिनके रसौलियां हैं, जहां गांठ है, कोई भी रसौली है, जहां गांठ है, पांव से सिर तक कोई भी गांठ है, चाहे बच्चेदानी में गांठ है, रसौली है, ट्यूमर है, हर एक ट्यूमर परमेश्वर के नाम से अभी निकलने वाला है। उसी घड़ी पर भी यीशु ने बीमारों को चंगा किया और वो घड़ी अब है। सो अगर कोई ऐसा है जिसके कोई गांठे हैं, तो आप अपने सिर पर हाथ रख लीजिए या अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, अभी मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आपके कोई भी गांठ है, पांव से सिर तक कहीं भी गांठ है, आप अपनी गांठ पर हाथ रख लीजिए या अपने सिर पर हाथ रख लीजिए, इसी घड़ी जैसे बाइबल पवित्र वचन में लिखा है, उसी घड़ी पर यीशु ने बीमारों को चंगा किया और इसी घड़ी पर यीशु आपको चंगा करने वाले हैं। इसी घड़ी मैं प्रार्थना करने वाला हूं, हे मेरे परमेश्वर जी, हमारे बीच में जितने भी लोग हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पांव से लेकर
रसौली तुझे आज्ञा देता हूं, अभी इसी वक्त इन शरीरों को छोड़ो, निकल इसी वक्त निकल, पर भी यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु जी अपना हाथ बढ़ा लीजिए और इनकी सारी गांठों को निकाल दीजिए, सारी रसौली से राम आ जाए, इनके इसी वक्त इसी घड़ी या चंगे हो जाए। हालेलुया। तो आप इसी वक्त देखिए आपकी गांठ नहीं है, इसी वक्त आप देखिए आपके गांठ नहीं है, आप अपनी गांठ देखिए आपके गांठ नहीं है, पर यीशु ने इस गांठ को कैप कर दिया है, आपकी गांठें पर यीशु ने निकाल दी हैं। और अभी हम लोग आपकी गुहाइयों को सुनेंगे, जब आपको समय देंगे, आपकी गांठें पर यीशु ने निकाल दी है। हालेलुया। हर वेले नाल रहंदा दिन होवे या रात, हर वेले नाल रहंदा, हर वेले नाल रहंदा दिन होवे या रात, 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 पेंदियां तमन्ना जदों मिलदी न जाते, पेंदियां तमन्ना अब मैं प्रार्थना करने वाला हूं उनके लिए जिनके दर्द है, पांव से लेकर सिर तक कोई भी दर्द है, वाई की दर्द है, वाई बाती की दर्द है, जो कोई भी दर्द है, कोई भी दर्द, कमर दर्द है, घुटने दर्द है, सिर दर्द है, आंखें दर्द है, कान दर्द है, पैर दर्द है, कोई भी दर्द है, आप हाथ रख सकते हैं अपनी बीमारी पर, नहीं तो अपने दिल पर हाथ रखिए, नहीं तो अपने सिर पर हाथ रखिए। अगर आपके कहीं भी दर्द है, पांव से लेकर सिर तक कहीं भी दर्द है, आप उस दर्द पर हाथ रख लीजिए। अगर आप हाथ रखने की स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने दिल पर हाथ रखिए या अपने सिर पर हाथ रखिए, इसी वक्त आपकी दर्द जाने वाली है। पर यीशु ने पीड़ाओं को उसी घड़ी चंगा किया और आपकी पीड़ा को इसी घड़ी चंगा करने वाले हैं। सारी दर्द पांव से लेकर सिर तक की, सारी दर्द पांव से लेकर सिर तक की, सारी दर्द तुझे आज्ञा देता हूं इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से निकल। तेरा यहां कोई अधिकार नहीं है, यह शरीर यीशु का है। ऐ दर्द चाहे प्राणी दर्द है, कितनी भी प्राणी है, आज तुझे आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु के नाम से, इन शरीरों को छोड़ और निकल। ऐ सारी दर्द पर यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर को छोड़ निकल, पर यीशु के नाम से पांव से सिर तक की हर एक दर्द इस शरीर को छोड़ दे, पर यीशु के नाम से। भज जांदा ऐ शैतान जदों यीशु बोलदा, 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 भज जांदा ऐ शैतान जदों यीशु बोलदा। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूं जिनके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है, अगर कोई दुष्ट आत्मा है, जहां कोई जादू बिजली ताकत है, जहां आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है, कोई जिन्न है, जो मसानी है, कोई भी भूत प्रेत जादू बिजली की ताकत आपके विरोध में है, जहां आपके परिवार के विरोध में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। अगर आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा का अटैक है, कोई जादू बिजली की ताकत आपके विरोध में है, आपके घर में है, कोई भी भूत प्रेत जिन्न कोई भी दुष्ट आत्मा बड़ी से बड़ी भी, मैं अभी प्रार्थना करने वाला हूं और अभी वो आपके शरीर को छोड़ेगी, अभी वो आपके घर से निकलेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे नहीं, प्रभु यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसा सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतों तुम्हें आज्ञा देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इन शरीरों को छोड़ निकल। सारी दुष्ट आत्माएं
इसी घड़ी खत्म हो जाए। इनके बिजनेस पर अगर जादू तबीज की ताकत है, इसी घड़ी वो दुष्टात्मक ताकत खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने प्रभु यीशु ने उसी घड़ी प्रभु यीशु ने दुष्टात्मा को निकाला, और आज इसी घड़ी आपके दुष्टात्मा को निकल रही है। ऐ दुष्टात्मा की ताकत, प्रभु यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर को, इस घर को छोड़, निकल, प्रभु यीशु के नाम से निकल जा। प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इसी घड़ी शैतान की ताकतों को खत्म करने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी। अगर कोई ऐसे हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, आप में से आज मैं प्रभु यीशु के नाम से चैलेंज देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चैलेंज देता हूं, अगर आपके कान से आपके कान बिल्कुल बंद है और आपको कानों से सुनाई नहीं देता, इसी घड़ी आपके कान खुलेंगे, इसी घड़ी। अगर आपके कान बंद है और आपको कानों से सुनाई नहीं देता, या आपके कानों की कोई बीमारी है, या आपके कानों से रेशा निकलता है, या आपके कानों में कोई भी बीमारी है, इसी घड़ी पर भी यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, इसी घड़ी। अगर आपके कानों की बीमारियां हैं, आपको सुनाई नहीं देता, तो अपने कानों पर हाथ रख लीजिए, अपने कान पर हाथ रखिए, इसी घड़ी आप सुनने लगेंगे। मैं फिर आपको चैलेंज दे रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर आपके कान बंद हैं और आपको सुनाई नहीं देता, आज से पहले तो अभी और इसी वक्त आपको कानों से सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ऐ कानों की बीमारी, बहरेपन की बीमारी, तुझे आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़, निकल, ये प्रभु यीशु के लोग हैं। कानों की सारी बीमारी निकले, कानों से रेशा बहना बंद हो जाए, कानों की हर एक बीमारी दूर हो जाए, और ये सुनने लग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। ऐ कानों की सारी बीमारी, प्रभु यीशु के नाम से, सारी कानों की बीमारी, इस शरीर को छोड़ निकल जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त चंगे हो जाए। और इसी वक्त हम आपकी गवाही को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। पा फड़ लई यीशु ने मेरी पा फड़ लई। अगर गुर्दों में पथरी है, पित्ते में पथरी है, अभी मैं प्रार्थना करने वाला हूं, अगर आपके पथरी है, आप हाथ रख सकते हैं। अभी प्रभु यीशु ने उसी घड़ी चंगा किया था, इसी घड़ी आपकी पथरी से आपको प्रभु यीशु चंगा करने वाले हैं। अगर आपके पथरी है, या आपके किसी परिवार के जन्म में पथरी है, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और प्रार्थना करते करते वो पथरी आपके निकलेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरी सामर्थ्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐ सारी पथरी, प्रभु यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर को छोड़, ऐ सारी पथरी की बीमारियां, प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं, इन शरीरों को इसी वक्त छोड़ो और निकल जाओ। अगर आपके कोई भी बीमारी है, पांव से लेकर सिर तक अगर कोई भी बीमारी है, जिसका मैंने नाम नहीं लिया, वो बीमारी अब इसी घड़ी जाने वाली है, पांव से लेकर सिर तक की,
कोई भी बीमारी है वो इसी घड़ी जाने वाली, इसी घड़ी सारी बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी शरीर को छोड़ दे। ऐ बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी इस शरीर को छोड़। ऐसा लगता है जैसे आपके बेटे में कोई बीमारी है, तो अगर वो आपके पास में है आप अपने बेटे पे सिर पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि आपके बेटे की बीमारी भी इसी घड़ी जाने वाली है। ऐ सारी बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं, पर भी यीशु के नाम से इसी घड़ी इस शरीर को छोड़। सारी बीमारियां पर भी यीशु के नाम से शरीर को छोड़। सारी बीमारियां पर भी यीशु के नाम से निकले, इसी वक्त हर एक बीमारी निकल जाए, पर भी यीशु के नाम से चंगाई आ जाए। और अब मैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं, जो अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, जो अन्य भाषा बोलना चाहते हैं। तू आ पवित्र आत्मा। जो भी सामर्थ पाना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं, जो अन्य भाषा पाना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गीय भाषा पाना चाहते हैं, अन्य भाषा पाना चाहते हैं। बहुत से लोग उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं। अगर आप अन्य भाषा पाना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं अभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, अन्य भाषा के बदला मिलेंगे। प्रभु जी सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, जब पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह ये लोग पवित्र आत्मा से भरे, ये अन्य भाषा बोलने लग जाए। रबा सिखा लबा रबा दबा रना मती रिवित गिरी रिबी शिदा बाला बाला लबा रिबी रिबी शिदा बाला नमा। अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, स्वर्गीय भाषा को पाना चाहते हैं, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रि सिखी रिबी रिबी शिदा बाला बाला लबा अभी प्रभु आपको अन्य भाषा का वरदान दे रहे हैं, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की सामर्थ अभिषेक। आप बोलना शुरू कीजिए, हो सकता है एक शब्द आपके मुंह से निकले लेकिन अभी उससे बढ़कर निकलने शुरू हो जाएंगे। आप अन्य भाषा में बोलिए, अभी प्रभु आपको अन्य भाषा का वरदान दे रहा है। रीबा नामा तबारा रबा तेरी बीत गिरी रिबी शिरी बेरी रिबी हिंदा बारा नामा तारा बत गरे रबा
अन्य भाषा में सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हे परमेश्वर जी, स्वर्गीय भाषा कौन ढेलिए, स्वर्ग से अपनी आत्मा कौन ढेलिए, ताजो जी अन्य भाषा बोलने लग जाए, ये पवित्र आत्मा में भर जाए और अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाए, ये पवित्र आत्मा में भर जाए और अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाए। पूरी बारा बा सखल बार रबा हे दिवे रे बेशे रे बेरे बेशे दबार नमा आपने लोगों को चंगाई दे दी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य दी है, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के पिता परमेश्वर मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हुए आमीन आमीन आमीन। जो लोग इसी घड़ी चंगा हुए हैं वो आगे आ जाएं और गवाही दें कि आपको प्रभु ने इसी घड़ी चंगा किया है। कोई बात नहीं, ज्यादा जने हैं तो आप आगे आ जाइएगा, कोई बात नहीं, जितने भी सब आगे आ जाइए, जिनको प्रभु ने अभी चंगा किया है वो आगे आ जाएं और अपनी गवाही बताएं कि कैसे प्रभु यीशु ने अभी अभी आपको चंगा किया है। बताओ ना आप क्या की हो ऐसी। हाँ जी, गंडा सी मेरे दो दिन दे होना। अच्छा, कितने सी गंडा जी? छाती में सी। अच्छा, दो गंडा सी गया। हाँ जी, हुन तो आराम। सो ये बहन हमारे बीच में आई है और इसके छाती पे दो गांठे थी। हाँ जी। और वो गांठे हाथ में आती थी। हाँ जी, वो गांठे हाथ में आती थी है ना। कितनी को बड़ी थी? बड़ी सिंह तो नहीं, हाथ बता कर बताओ कितनी बड़ी गांठ। सो देखिएगा, शर्माओ मत, बताओ ना, हाथ बताओ कितनी बड़ी। सो आप ध्यान से देखिए, इतनी इतनी बड़ी गांठे थी, छाती पे दो गांठे थी, हाथ में आ रही थी। और अभी जब प्रार्थना हुई है अभी ठीक हुए। हाँ जी, अभी हुने, अभी अभी प्रभु यीशु ने उन गांठों को दूर कर दिया। प्रभु यीशु ने चंगा किया है। किसने चंगा किया आपको? अपना प्रभु जी ने। प्रभु हाँ जी, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी ने प्रार्थना की और परमेश्वर जी ने मेरे को चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सो इस भाई के कमर में दर्द था और अभी जब प्रार्थना हुई है प्रभु यीशु ने इसकी कमर को चंगा किया है। थोड़ा नीचे झुक कर दिखाइए, ऐसे होकर। दर्द होता है? नहीं, आप नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। अभी मेरे ना कल एकदम से मैं पर्स धो रही थी, बहुत ज्यादा मेरे कमरे में दर्द था, मैं रोने लगी थी, मेरे ऐसे नीचे नहीं झुका जरा, इतना दर्द था रात को। अभी आराधना में मेरे को एकदम ऐसे लगता है मेरे कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और अभी अभी ना मेरे को प्रभु ने इतने सफेद कपड़ों में इधर से आ रही है, इतनी अच्छी रोशनी रोशनी हो रही है और प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। मेरी आंखों से बहुत धुंधला दिखता था और मैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और मेरे मसूड़ों में भी सूजन थी, अब सूजन भी नहीं है, और मेरे कमर में भी दर्द था और सर्वाइकल की भी दिक्कत थी, अब मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। सो क्या था आंखों से? हाँ जी, बहुत कम दिखता था, धुंधलापन था। हाँ जी, हाँ जी, धुंधला दिखाई देता था। हाँ जी, बहुत ज्यादा रेशा सा आया था आंखों के। अब आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा है, वो सामने सारे साफ दिख रहे अक्षर। हाँ जी, हाँ जी, वो सामने वाले अक्षर साफ दिख रहे। हाँ जी, हाँ जी, इतनी दूर से। हाँ जी, ओके। सो आंखों में धुंधला दिखाई देता था और अब इतनी दूर वाले जो अक्षर है वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मेरे को सर्वाइकल का बहुत ज्यादा पेन था और जब वर्शिप हो रही थी मेरे सर्वाइकल का दर्द भी चला गया। आज मुझे पहली बार पवित्र आत्मा मिला और अन्य भाषा का वरदान मिला, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो सर्वाइकल का दर्द था, सर्वाइकल का दर्द भी ठीक हो गया और प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, अन्य भाषा का वरदान भी दिया, इसीलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा मिली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस बेटी को पवित्र आत्मा मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये आंटी जी कह रहे हैं मेरे तीन चार दिन से छाती में बहुत ज्यादा दर्द था और अभी आराधना हुई, प्रार्थना हुई ना, इसी वक्त ही इनका छाती का दर्द सारा चला गया, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। पूरी
मुझे ना आँखों से धुंधला दिखाई देता था और एलर्जी थी मेरी आँखों में, खारिश होती थी, सुबह उठते भी दोपहर में भी मेरी आँखों में खारिश चलने लग जाती थी और धुंधला दिखाई देता था। जैसे अब पास्टर जी ने प्रार्थना की मुझे बिल्कुल साफ दिखता है और आँखों में खारिश भी नहीं होती और मेरी कमरे में भी दर्द रहता था 10 साल से, लेकिन अब कमरे में भी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस बहन के कमर में दर्द था 10 सालों से, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। आंखों में एलर्जी थी, अब वो एलर्जी नहीं है, उन्हें चंगाई लग रही है। लेकिन खास बात यह है कि आंखों में धुंधला दिखाई देता था, तो अब कैसे आपको पता चल रहा है? अब बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, मेरे को नजदीक से दिखाई नहीं देता था। नजदीक से दिखाई नहीं देता था, तो अब नजदीक से दिखाई देता है? हाँ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कितनी की दूर से? नहीं, नजदीक वाला कैसे? नहीं, इतनी दूर से भी दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखाई देता था। इतनी दूर से भी धुंधला दिखाई देता था, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। नाड़ियां नजर आ रही हैं आपको? रेखाएं? हाँ, मेरे को नाड़ियां नजर आ रही हैं। नजदीक वाले भी हैं। आप परमेश्वर मसीह ने चंगा किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिनके काम आज ना सुबह मैं काम करते समय गिर गई थी, आज मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो जब पास्टर जी ने प्रार्थना की तो मेरे आराम है और बिल्कुल भी नहीं दर्द हो रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैंने परमेश्वर से पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान मांगा था और मेरे को इतनी पवित्र आत्मा दी, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे पहली बार पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान मिला, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। छोटी सी बच्ची है और इस छोटी सी बच्ची को पहली बार पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, अन्य भाषा का भी, अन्य भाषा का भी वरदान मिला है पहली बार, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरी जो लात में दर्द था 2-3 दिन से, आज सही हूँ प्रभु की कृपा से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इनके टांग में दर्द था, परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। मेरी आंखें से बिल्कुल ही कौन दिखो, तो बड़े बैठी ना, मैंने पास्टर जी के मुंह भी कौन दिख रहे हो, अब मैंने सपा दिख रहा सारो वो बड़ा तक। मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस मुसी का धन्यवाद करती हूँ, मेरी नजरों से दिख लग और कमर में दर्द भी बहुत कम हो गया। तो इस माऊ को देखिएगा और ये पीछे बैठे हुए थे और वहां से मैं भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब जब प्रार्थना हुई है और अब इनकी आंखों से इन्हें साफ दिखाई देने लग गया है। अब आपको पीछे दिखाई दे रहा है? सपाट दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा और अन्य भाषा दी, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा, अन्य भाषा दी, अन्य अन्य भाषा दी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हेलो जी, धन्यवाद प्रभु सारंग जय मसीह। मेरा आज से इतनी मोटी गांठ होगी, 2 दिन हो गए इतनी मोटी, जब प्रार्थना होने लगी ना, आराधना होने लगी, जब मेरी गांठ है वह ही नहीं खत्म होगी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। क्या हुआ था? गांठ होगी इतनी मोटी। कहां पर गांठ थी? अरे प्रार्थना होने लगी ना, जब गांठ है ही कौन। So, ध्यान से देखो इस बेटी को देखो, इसके यहाँ गांठ थी, कितनी बड़ी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी, सबको दिखाओ थोड़ा सा, कितनी मोटी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी। तो अभी जब प्रार्थना हुई तो अब प्रार्थना हुई जुदा ही नहीं, अब खत्म हो, अब जब प्रार्थना की वहाँ गांठ है ही नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे नजरे नाल ना सिर नाड़ मेरी बहुत ज़्यादा दुखती सी, मैं तो ता भी नहीं झक आता, मैंने बिल्कुल दिखता नहीं सगा, मैं अखा भर के ता नहीं झक सकता सी, मेरे ना सिर से दर्द सी, मेरी नज़रें ना, मेरी निगाह बिल्कुल कमजोर हो गई सी, हुण नाल तां मैनु प्रभु ने सामर नाल मैनु इन्ना भरिया कि प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाले मेरे दर्द भी बिल्कुल गैब है, तो मेरे गोडे तो कई दिन हो गए, मेरा इन्ना सोच गया सी कि मैं तो बैठन उठती बहुत दिक्कत ज़्यादा होंगी सी, और प्रभु से प्रार्थना की है पास्टर जी ने, जो हम आराधना हो रही सी, मेरे बिल्कुल अंग अंग चो मेरे दर्द गया चलिया और मैंने वधिया दिखन लग गया, मेरे दर्द भी नहीं है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर दी हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हमें करीबन 1.5 साल हो गए हैं चर्च में आते आते, पर आज मुझे पहली बार पवित्र भाषा, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा मिली है, इसलिए आज पहली बार पवित्र आत्मा और अन्य भाषा मिला है। 1.5 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, आज पहली बार प्रभु ने
पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान दिया है। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। दे रहे हैं कि इनके गुर्दे में गांठ थी और अभी जब प्रार्थना हो रही थी तो इनकी गांठ बिल्कुल ठीक होगी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मुझे आज बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा मिला, इसलिए मैं आप धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। 15-16 साल में गिरी तो मेरा कान बंद हो गया जमा, तो अब आज इन्हें आज बिल्कुल साफ सुनाई देता है। प्रभु ने मन चंगाई दिनी है। अरे गए और सिर मेरा इतना दुखता 20 साल देख लो, प्रभु अरे बहुत चंगाई दिनी है। अरे प्रभु की रोज प्रार्थना, जल्दी उठ के हर प्रार्थना करूँ मैं। अरे प्रभु ने बहुत रखो, प्रभु दमने दर्शन दिया है, प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। मेरे दो गंढा सिंह है इतने, तो हूँ जो प्रार्थना हुई तो प्रभु ने कढ़ दिया, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सिर दे विच बहुत दर्द सी, अखां नूं भी बहुत सोजन सी, तो जो रात दे विच प्रार्थना हुई परमेश्वर ने ठीक करता, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सो इस बहन के दो गंठे थे और परमेश्वर मसीह ने अभी इन गंठों से चंगाई दी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये भी गवाही दे रहे हैं कि इनको आज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा, जब प्रार्थना हो रही थी तो ये पवित्र आत्मा से भर गए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इनको कानों से थोड़ा कम सुनाई देता था और कानों में खारिश होती थी, वो भी इनकी ठीक होगी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अरे इनकी छाती पे गांठ थी, अभी पास्टर जी ने प्रार्थना की तो वो गांठ इनकी निकल गई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सो आपकी छाती में गांठ थी, कहां गांठ थी? सो भाई के यहां पर गांठ थी और जब प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने चंगा किया। आप गांठ नहीं है? अभी नहीं है। सो परमेश्वर मसीह ने उस गांठ को निकाला है, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं इस बहन की गवाही देने जा रही हूँ कि इसे पवित्र आत्मा से भरा प्रभु ने और पहली बार अन्य भाषा दी, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।